गरम पैन में डालेंगे 1 चम्मच बटर। बटर को थोड़ा सा पिघलने देंगे। अब डालेंगे 1 कप स्वीट कॉर्न। ये कच्चा स्वीट कॉर्न है, इसे मैंने उबाला नहीं है। इसे हाई फ्लेम पर मिक्स करेंगे। कॉर्न को बटर के अंदर 1 मिनट तक भुनेंगे। 1 मिनट के बाद इसमें डालेंगे 1 छोटा चम्मच चाट मसाला, 1/2 छोटा चम्मच नमक, 1/2 छोटा चम्मच लाल मिर्च पाउडर। इसे मिक्स कर लेंगे। अभी डालेंगे 1 नींबू का रस। इसे मिक्स करके हम 1/2 मिनट तक और भूनेंगे। 2 मिनट के बाद गैस का फ्लेम कर दिया है ऑफ। थोड़ा सा हरा धनिया डालेंगे। चाट मसाला आप अपने स्वाद के अनुसार कम या ज़्यादा कर सकते हैं। बहुत ही स्वादिष्ट स्वीट कॉर्न चाट बनकर तैयार है। इसे बनाने में सिर्फ 2 मिनट का समय लगता है और ये बहुत ही स्वादिष्ट लगती है, तो आप भी इसे एक बार बनाएं और एंजॉय करें। आपको मेरी आज की रेसिपी पसंद आई हो तो इसे लाइक कीजिए, और भी इस तरह की रेसिपीज़ देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।